हेलो बच्चों नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2009 में तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सी चीज़ पे बेस्ड होता है तो चार ऑप्शन हमारे पास ए है मॉर्फोलॉजिकल फीचर बी है केमिकल कॉन्स्टिट्युवेंस सी है फ्लोरल कैरेक्टर्स और डी है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स तो नीचे मैंने एक एन सी आर टी रेफ्रेंस दिया हुआ है तो उसके अंदर सबसे पहली जो लाइन है पहली दो लाइन है उसको मैंने राइट से मार्क कर रखा है तो उसको पढ़ेंगे एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर एक्सेप्टेबल तो यानी अभी करंटली हम कौन से सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं फायलोजेनेटिक क्लासीफिकेशन सिस्टम जो बेस्ड होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हमें मिल चुका है वो होगा एवोलूशनरी रिलेशनशिप क्योंकि फायलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन बेस्ड होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर तो देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है तो डी ऑप्शन हमारा एवल्यूशनरी रिलेशनशिप है तो उसको मार्क कर देते हैं तो थैंस फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ हेलो चुनी टाइम सी सीरीज में आपका स्वागत है आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2020 में तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनीलुलर एलगा तो नीचे दिए गए पेयर्स हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स के या एलगी के तो उसके अंदर से पूछा गया कि दोनों कौन से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर दोनों जो है वो यूनी सेलूर एलगी है तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है ए है लेमिनेरिया बी एंड सरगैसम बी है जलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया सी है एनाबीना एंड वॉल्वॉक्स और डी है क्लोरेला एंड स्पायरोलिना तो सबसे पहले नीचे मैंने एन सी टी रेफ्रेस दिया हुआ है तो इसके अंदर क्लोरेला के बारे में लिखा हुआ है क्लोरेला यूनिसेल एल्गा आ, रिच इन प्रोटीन इज यूज फॉर फूड सप्लीमेंट इवन बाय बाई स्प्रेस्टर तो एक क्लोरेला हो गई हमारी यूनिसेलुला एल्गी इसके बाद नीचे और भी कुछ लिखा हुआ है, मैंने ये वाले पार्ट इसके अंदर क्या लिखा है जेलीडियम ग्रासिलेरिया लेमिनेरिया एंड सरगैस हमार मल्टी सेलर एनाबीना इज अ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी एंड इज कलोनियल तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन यानी क्लोरेला एंड स्पायोलिना तो उसको मार्क कर देते हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो हेलो चुनी टाइम सी क्यू सीरीज में आपका स्वागत है आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2016 में तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग नीचे दिएगा कि चार स्टेटमेंट में से कौन सी रॉन्ग है तो पहली है एलगी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्ड ऑक्सीजन इन द इंटरमीडिएट इमीडिएट एनवायरमेंट है जी इज ऑप्टेंड फ्रॉम रेड एल्गी एंड कैगिन फ्रॉम ब्राउन एल्गी सी है अगर अगर इज ऑप्टेंड फ्रॉम जिलीडियम एन एन एंड डी है लेमेनेरिया एंड सरगैसम आर यूज फूड तो चारों के बारे में नीचे एनसीआर रेफरेंस दिया हुआ सबसे पहला क्या है रेड वाला बींग फोटो सिंथस द इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्ड ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरमेंट तो पहला करेक्ट हो गया हमारा दूसरा देखते हैं लेमेरिया एंड आर आर अमंग द सेवेंटी स्पीशीज ऑफ मरीन एल्गी यूज एड फूड तो ये भी ठीक है इसके बाद देखते हैं मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूसिसज लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स वाटर होल्डिंग सब्सटेंस एग्जाम्पल एलजिन बाय ब्राउन एलगी एंड कैरागिन बाय रेड एल्गी तो यहाँ उल्टा लिखा हुआ है हमारे बी ऑप्शन के अंदर एलजिन लिखा हुआ है रेड एलगी और कैरागिन ब्राउन एल्गी तो ये गलत हो गया और आखिरी देख लेते हैं ग्रीन में क्या लिखा है, अगर इज वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑफ्टेंट फॉर जल डिम एंड ग्रास तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ हेलो तो अरे चोनी टी सीरीज में आपका स्वागत है आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2015 में तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे मेल गैमीस आर फ्लैजलेटेड इन कौन से नीचे दिए गए ऑप्शन के अंदर मेल गेमीट्स जो है वो फ्लेजिलेटेटेट होते हैं यानी मोटाइल होंगे तो ए हमारा ऑप्शन है एक्टो बी है स्पायरोगेरा सी है पॉलिसिफोनिया और डी है एनाबीना तो ये नीचे मैंने एन मतलब से ही रेफरेंस निकाल निकाल के लिखे हुए हैं डायरेक्टली ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो तो सबसे पहला क्या लिखा है एक्टोकार्पस प्रोड्यूस बाई फ्लेजिलेड गेमिट्स तो यानी एक्टोप के अंदर मोटाइल गैमिट्स जाएंगे और फ्लैजिलेटेड भी हो जाएंगे तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाकी के अंदर देख लेते हैं एना बीना सैनो बैक्टीरिया होता है वो सेक्शुअल रिप्रोड्यूस नहीं करता तीसरा देखते हैं स्पायर जो होता है नॉन फ्लैजिलेटेड गैमिट्स बनाता है कॉन्जुगेशन यानी उसके सेक्शुअल रिपोडक्शन के प्रोसेस के दौरान तो स्पायर नॉन फ्लेजेट बनाता है इसके बाद देखते हैं पॉलिसिफोनिया के बारे में तो पॉलिसिफोनिया के बारे में क्या लिखा है ये भी जो है नॉन फ्लैजिलेटेड फर्मेशिया या मेल गैमिट्स या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाता है तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा एक्टोकार्पस तो ए ऑप्शन एक्टोकार्पस से उसको मार्क कर देते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर हेलो चुनी टाइम सी सीरीज में आपका स्वागत है आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2014 में तो चले क्वेश्चन पढ़ेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो आइसो विद नॉन फ्लेजिलटेड गैमिट्स तो नीचे दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आइसोगेमी दिखाता है और उसके अंदर नॉन फ्लेजिलेटेड यानी नॉन मोटाइल गैमिट्स होते हैं तो नीचे मैंने एनसीआर रेफरेंस दिया हुआ है उसके अंदर मैंने रेड्स जो मार्क करा हुआ है उसको पढ़ेंगे These gametes can be flagellated and similar in size as in Eulothrix, or non flagellated, non motile, but similar in size as in Spirogyra. Such reproduction is called isogamous. तो यानी गैमिट्स जो हो सकते हैं वो फ्लैजलेटेड और सिमिलर इन साइज होंगे यूलोथ्रिक्स के अंदर यानी आइसोगेमी होगी यूलोथ्रिक्स के अंदर भी लेकिन उसके अंदर मोटाइल गैमिट्स होंगे और नॉन फ्लेजलेट्स यानी नॉन मोटाइल गैमिट्स होंगे और आइसोगेम होगी वो किसके अंदर होगा के अंदर तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा इस क्वेश्चन का जो, जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पायरो स्पायोगरा कौन सा ऑप्शन है तो डी ऑप्शन हमारा स्पायोगैरा उसको मार्क कर देंगे तो थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ हेलो चनी टाइम सी सीरीज में आपका स्वागत है हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2013 में तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे आइसोगेमस कंडीशन विद नॉन फ्लेजिलेटेड गैमिट्स इज फाउंड इन आसोगैमस कंडीशन जिसके अंदर और नॉन फ्लेजिलेटेड गैमिट्स यानी नॉन मोटाइल गैमिट्स किसके अंदर होंगे नीचे देगा चार ऑप्शन में से तो ए है वॉल बी है फ्यूकस सी है क्लामाइडोमोनास और डी है स्पायर तो नीचे मैंने एनसीईआरटी रेफरेंस दिया हुआ रेफेंस उसके अंदर क्या लिखा हुआ है रेड लाइन से जो मैंने मार्क किया उसको पढ़ेंगे दिस गैमिट्स कैन बी फ्लेजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज एज इन इलोथ्रिक्स और नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज एज इन स्पायरोगा सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगेमस तो यानी आइसोगेमी जिसके अंदर सिमिलर साइज के और फ्लेजुलेटेड गैमिट्स होंगे वो होगा यूलॉथरिक्स में और सिमिलर साइज के ही नॉन फ्लेजुलेटेड गैमिट्स जिसके अंदर होंगे यानी नॉन मोटाइल गैमिट्स होंगे वो होगा स्पायरोगारा तो यही हमसे पूछा हुआ है कि नॉन फ्लेजिलेटेड और आइसोगेमी एक साथ किस कौन से के अंदर होगी तो स्पायोगा के अंदर होगी तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा स्पायरोगा तो डी ऑप्शन हमारा स्पायरो है उसको मार्क करेंगे तो मैंने मार्क कर दिया तो थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ हेलो चुनी सीरीज में आपका स्वागत है आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो है नी टू थाउजेंड में तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे विच ऑन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच नीचे दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा है जो गलत मैच किया गया तो चलो चार ऑप्शन पढ़ेंगे ए है स्पायर वगैरह मोटाइल गैमिट्स बी है ए क्लोरोफिल सी है बेसिडोमाइसिटीज पफ बॉल्स और डी है नॉस्टॉक वाटर ब्लूम्स तो ये मैंने सबको नीचे एक एक करके एक्सप्लेन कर रखा है सबसे पहले स्पायरोगारा के बारे में देखते हैं तो स्पायरोगारा गेमिट्स आर नॉन मोटाइल एंड सेक्सुअल सेक्शुअल टेक्स प्लेस बाय कंजुगेशन तो हमारा पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है लिखा है स्पायरोगारे के अंदर मोटाइल गैमिट्स लेकिन स्पायोगारा के अंदर ओरिजिनली नॉन मोटाइल होते हैं इसके बाद देखते हैं सरगैसम सरगैम ब्राउन एल्गी है sargesum. Sargesum, algae, उसके अंदर क्लोरोफिल ए एन सी होता है तो ये करेक्ट है इसके बाद देखते हैं पफ बॉल्स हाँ पफ बॉल बैसीडो माइसिटीज़ को ही कहते हैं इसके बाद आखिरी है हमारा नॉस्टॉक जो एक साइनोबैक्टीरियम है हाँ वो वाटर ब्लूम्स कॉज करता है तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो हमें मिल चुका है ए है स्पाय उसके अंदर नॉन मोटाइल गैमिट्स होते हैं लेकिन क्वेश्चन में लिखा है मोटाइल तो ये गलत हो गया इसको मार्क कर देते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो चुनी टाइम सी यू सीज में आपका स्वागत है आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नी टू में तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे विच वन इज रॉन्गली मैच नीचे दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा गलत मैच किया हुआ है तो ए है हमारे पास यूनिस फ्लैजिलेट गैमिट्स पॉलिसिफोनिया बी एफ लाई फ्लजिलेट जू फो ब्राउन एल्गी सी है जेमा कप्स मार्केशिया या डी है यूनसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला तो नीचे मैंने ये रेड डल किया रोडोफाइजी का जो एक पैराग्राफ दिया उसके अंदर आखिर में जैसे हम पढ़ सकते हैं जो रेड लाइन से मार्क्ड है रिप्रोड्यूस ए सेक्शुअली बाई नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स एंड सेक्ली बाई नॉन मोटाइल गेमिट्स यानी इसके अंदर ए सेक्शुअल और सेक्शुअल दोनों रिप्रोडक्शन जो होता है वो नॉन मोटाइल गेमिट्स या नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स से होता है और एग्जाम्पल पॉलिसिफोनिया है तो जैसा कि हम पहला ऑप्शन हमारा देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर उसमें लिखा है यूनी फ्लेजलेट गैमिट्स यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जो गैमिट्स होंगे पॉली वो के वो मोटाइल होंगे लेकिन हमारा एन कहती है कि मोटाइल नहीं होंगे और आखिरी में मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है कि पॉली सिकोनिया डायल गया उसके अंदर नॉन मोटाइल मेल गेमिट्स होते हैं तो इस क्वेश्चन का जो हमारा रॉन्ग मैच हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन तो उसका मार्क कर देते हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़